ये बहुत अरसा पहले का जिक्र है कि मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी रहता था आदमी माहिर दर्जी था उसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की दूर दूर तक धूम मची हुई थी उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था मगर लोगों ने उसे खामोश दर्जी का नाम दे रखा था क्योंकि वो बोलता कम था और वो इसी नाम से मशहूर था वो ज्यादातर अमीर खातान के लिए कीमती मलबूसात सिया करता था जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते थे उन मलबूसा के लिए वो आम तौर पर कपड़ा भी खुद ही खरीदता था इलाके के सारे अमराओं वजरा की बेटियों बीवियों और औरतों के लिबास वही दर्जी सिया करता था एक रोज दर्जी कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया उसे जिस कपड़े की तलाश थी वो उसी वक्त बाजार पहुँचा था उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजर की बेटी के लिए शादी का, लिए शादी का लिबास तैयार करना था काफी देर बाजार में घूमने के बाद दुल्हन के लिबास के लिए कीमती सिल्क का एक कपड़ा उसे पसंद आ गया उसने वो कपड़ा खरीदा और अपनी सवारी में रख लिया ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्राली नुमा चीज थी जिसमें लोग अपना सामान रखा करते थे हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद दर्जी अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानब मुड़ा तो वो गायब थी दर्जी ने हर तरफ उसे ढूंढा मगर उसका कहीं नामो निशान ना मिला वो खूब चीखा चिल्लाया राह चलते लोगों से पूछा मगर कोई उसकी गाड़ी और उसमें रखे कीमती कपड़े के बारे में कुछ भी ना बता सका वो पहले भी इस तरह हथ रेड़ी पर सामान लेकर बाजार में घूमता रहता था मगर इससे पहले कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया था इसलिए दुकानदार के साथ वो खुद भी बड़ा हैरान और परेशान था हथ गाड़ी की चोरी की खबर आनन फानन बाजार से होती हुई पूरे शहर में फैल गई कुछ ही देर के बाद हर एक शख्स उस चोरी के बारे में बातें करता था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है दर्जी को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के काजी के पास पहुंच गए जिसके इंसाफ का चर्चा हल भी लिया करता था शहर में सभी लोग काजी की के कायल थे जब मुकदमा काजी साहेब के सामने पेश हुआ तो उसने उसे अपनी अदालत में बुलाया और उसकी जुबानी चोरी की पूरी तफसल सुनी सारी बातें गौर से सुनने के बाद काजी साहब ने हुक्म दिया कि उन तमाम लोगों को अदालत में फौरन पेश किया जाए जो हथ रेड़ी की चोरी के वक्त दर्जी के साथ बाजार बाजार में मौजूद थे थे उन तमाम तमाम के के दुकानदारों साथ आम शहरी भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुँच गए तो काजी साहब ने कार्रवाई शुरू की अदालती कार्रवाई शुरू करने से पहले काजी साहब ने अच्छी तरह इस बात की तसली कर ली थी कि तमाम अफराद वहाँ पहुँच गए हैं या नहीं सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ बैठे हुए थे क्योंकि वो सब काजी का बहुत एहतराम करते थे फिर काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी उन सब के चेहरों पर एक नजर डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को अंदर बुलाया लिहाजा सारे सिपाही फौरन काजी साहब के सामने हाजिर हो गए काजी ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया की बाजार के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए क्यूँकी उसने अपनी ड्यूटी सही तरह ऐसी नहीं थी उसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई पत्थर का ये मुजस्मा अपने वक्त के एक मशहूर सिपाही का था जो बड़ा फर्ज शनास था और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर दिया करता था उसने बड़े नामी ग्रामीण चोरों को गिरफ्तार करके जिंदान में पहुँचाया था इसी वजह से उसके मरने के बाद हुकूमत ने उसका मुजस्मा बनवा कर बाजार के बाहर चौक में यादगार के तौर पर नस्ब कर दिया था ताकि उसकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया जा सके मगर अब काजी साहब ने उसी पत्थर के मुजस्मे की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था जिसे सुनकर तमाम सिपाही हैरत और हैरानगी से काजी साहब के मुंह की तरफ देखने लगे बिलाखिर उन सिपाहियों में से एक ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि काजी साहब आप एक पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं काजी साहब बोले कि हाँ मैं उसी पत्थर के मुजस्मे को ही गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहा हूँ और मेरे हुक्म की फौरन तामील की जाए काजी साहब का हुक्म सुनकर सिपाही बाजार की तरफ रवाना हो गए और चौक पे नसब मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा कर ले आए अदालत में मौजूद लोग मुजस्मे को रस्सियों से जकड़ा हुआ देख कर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि शायद काजी साहब पागल हो गए हैं खुद दर्जी भी यही सूरत हाल देख कर बे हंस पड़ा उसको हंसता देख कर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज में हंसने लगे उनसे सबकी हंसी रोके नहीं रोक रही थी काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में हुक्म दिया खामोश अदालत की कारवाई शुरू हो चुकी है सब लोगों ने काजी साहब के चेहरे पर अच्छाई संजीदगी को देखा तो वो एकदम खामोश हो गए क्योंकि वक्त की नजाकत को महसूस करके खामोश रहने में ही आफियत थी वो सब जानते थे कि अगर वो लोग यूं ही हंसते रहे तो काजी साहब उनके खिलाफ कोई तो हुम जारी कर सकते हैं जब अदालत में मौजूद सभी अफराध खामोश हो गए तो काजी साहब ने कहा कि तुम सब ने अदालत की, तोहीन की है लिहाजा तुम सबको इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दने झुकाए खामोश बैठे थे के देखते हैं की काजी साहब उनके लिए क्या सजा तजवीज करता है कुछ ही देर सोचने के बाद काजी साहेब ने कहा की तुम सबको जुर्माना किया जाता है की तुम में ऐसी हर एक को इस अदालत में अपने कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा करना होगा अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने काजी साहब की जानब से ही अनोखी सजा सुनकर सुकून की सांस ली वो सोच रहे थे कि शायद उनके लिए कोई कड़ी सजा तजवीज की जाएगी मगर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी फिर अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़कर दिया तो किसी ने अपना रूमाल जुर्माने के तौर पर पेश किया दर्जी बड़े गौर से इस सारी कार्रवाई को देख रहा था लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कपड़े के एक छोटे से टुकड़े की सजा तो कुछ भी नहीं है वो काजी साहब की अकल पर मातम करना चाहता था मगर फिर खामोशी से सारी कार्रवाई को देखता रहा जब सबके कपड़े जमा हो गए तो काजी ने दर्जी को आगे बुलाया और वो सब कपड़े उसके सामने रखते हुए पूछा कि क्या तुम चोरी शुदा कपड़ा इनमें मौजूद है दर्जी उन कपड़ों को देखने लगा फिर अचानक जोर से चिल्लाया ये मेरा कपड़ा है उसकी नज़र एक शख्स के हाथ में दबे कीमती सिल्क के एक छोटे से टुकड़े पर जमी हुई थी जिसे वो सिपाही को पेश करने के लिए जा रहा था दर्जी ने कहा कि ये उसी कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिजाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि उसका एक दोस्त करीब भी मुल्क से सिर्फ एक ही लिबास का कपड़ा लेकर आया था और बाजार में किसी दूसरे के पास इस जैसा कपड़ा मौजूद नहीं था काजी साहब ने ये सुनकर कहा कि कि इसका मतलब है कि हमने चोर को तलाश कर लिया है अदालत में मौजूद चोर ने अपनी गर्दन खामोशी से झुका रखी थी वो सबके सामने शर्मिंदा हो रहा था और अदालत में मौजूद सभी लोग काजी साहब की जहानत और अकल की दाद दे रहे थे कि कैसे एक पेचीदा मुकदमे को काजी साहब ने मिनटों में हल कर लिया फिर काजी साहब चोर की तरफ देख कर बोले की तुम्हें इस चोरी की कड़ी सजा दी जाएगी जिसके बाद उसे जेल भिजवा दिया गया इसके बाद काजी साहब ने मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को वापिस बाजार में पहुँचा देने का हुक्म दिया ताकि वो मुजरमों को पकड़ने में सिपाहियों की मदद कर सके काजी साहेब के हुक्म आरोप सिपाहियों ने सिपाही के मुजस्मे को उठाया और बाजार में उसी जगह आरोप नस्ब कर दिया दोस्तों क्या आप ने ये कहानी बचपन में सुनी थी या कभी सुनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज